प्रिया धीर, रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी मिलाद उन नबी की बधाई, कहा हर तरफ हो शांति और समृद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले गृह मंत्री अमित शाह, पीएम आवास पहुंचकर की मुलाकात। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने दिया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा। यूपी चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देगी कांग्रेस, प्रियंका गांधी ने किया ऐलान। प्रियंका गांधी बोली, यूपी चुनाव में राजनीति में भागीदारी के लिए आगे आए महिलाएं, हम देंगे टिकट, सेवा से तस्वीर बदल सकती है महिलाएं, हम आगे महिलाओं को बढ़ाएंगे। लोकसभा स्पीकर से मिले बाबुल सुप्रियो, संसद की सदस्यता से दिया इस्तीफा। कोलकाता बांग्लादेश में हिंसा के विरोध में VHP कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। उत्तराखंड में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सरकार ने बताया अब तक 16 लोगों की हुई मौत। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 200 mm बारिश, अब तक 16 लोगों की हुई मौत। उत्तराखंड में रेस्क्यू में जुटे आर्मी के 3 हेलीकॉप्टर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी। उत्तराखंड के नैनीताल में बादल फटा, रामगढ़ गांव से रेस्क्यू किए गए कई घायल। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद बड़ा जलस्तर, खोले गए नानक सागर डैम के गेट। केरल के 12 जिलों में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। जम्मू कश्मीर में नए आतंकी संगठन PAFF ने ली पुंछ, हमले की जिम्मेदारी, जारी किया वीडियो। कोरोना से देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 99 करोड़ डोज के पार। देश में कोरोना के 13,058 नए मामले आए सामने, पिछले 24 घंटे में 164 लोगों की हुई मौत। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।